सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आतिश जैन और आज हम लेकर आए हैं कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द स्कोडा कुशाक बेस मॉडल एंड द ह्यूंडई क्रेटा बेस मॉडल। तो सबसे पहले अगर हम इनकी कीज़ की तरफ बढ़े तो आपको कुछ ऐसी कीज़ मिलती है, दोनों ही कीज़ पे कवर लगे हुए हैं। बट अगर हम इनकी फीचर्स की बात करते हैं तो ये दोनों ही फ्लिप कीज़ मिलती है आपको, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज का बटन है। दोनों ही अगर हम गाड़ियों की बात करें, जो क्रेटा है वो करीबन 13 लाख रुपये की है और वहीं जो आपकी कुशाक है वो आपकी 13.5 लाख रुपए में आती है। फ़र्क ये है कि ये जो क्रेटा है ये आपकी डीजल मैनुअल बेस मॉडल है और जो कुशाक है वो डीजल में तो आती नहीं है, तो वो 1 लीटर पेट्रोल मैनुअल है। पर अगर हम वहीं क्रेटा की पेट्रोल मैनुअल बेस मॉडल की बात करें तो वो आपको कहीं ना कहीं 12.5 लाख रुपये तक में मिल जाएगी। तो बेसिकली जो कुशाक है वो क्रेटा से 1 लाख रुपये महंगी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कुशाक की, तो अगर हम फ्रंट लुक में आते हैं कुशाक के, तो ये आपको देखेगा कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक है कुशाक के अंदर। जो इसकी ग्रिल हो गई या जो इसकी बैजिंग हो गई, इवन जो इसकी लाइट्स हैं वो आपको नॉर्मल हैलोजन लाइट्स मिलती हैं वैसे, पर जो ओनर है उन्होंने इसमें आपको LEDs जलवा रखी हैं। ये आपको इसकी कुछ DRL मिलेगी। फ्रंट में आपको इसके कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलेगा। बट अगर मैं ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करूँ तो कुशाक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है आपकी क्रेटा से। वहीं अगर अब हम क्रेटा की तरफ बढ़े तो इसकी फ्रंट लुक जो है वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक है कुशाक के सामने। जो ये ग्रिल है ये सैटन फिनिश क्रोम में नहीं आती, आपको सिल्वर सैटन फिनिश में आती है। बट जो ओनर है उन्होंने इसको ब्लैकआउट करा दिया है, तो थोड़ी थोड़ी ये नाइट एडिशन जैसी ग्रिल हो गई है, बस इसके अंदर की रेड स्ट्राइप्स मिसिंग है। वहीं जहाँ पे आपको कुशाक में बेस मॉडल में नॉर्मल कोई भी प्रोजेक्टर हैलोजन लाइट्स मिल रही थी बिना किसी प्रोजेक्टर के, वहीं क्रेटा में आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिल रही हैं, पर ये भी हैलोजन है। पर आप इसमें अगर LED जलवा लेते तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स हो जाएगा। साथ ही साथ जो आप ये सी शेप में देख पाएंगे ये इसके DRLs हैं। नीचे जो फॉग लैम्प्स आप इसमें देख रहे हैं वो आफ्टर मार्केट है, अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये में आप उन्हें डलवा सकते हैं। तो अगर आप साइज़ में देखें तो क्रेटा ज़रूर कुशाक से बड़ी लगेगी। अगर हम कुशाक के इंटीरियर में चलें तो जो इसका डोर पैनल का डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आपको इसके अंदर सारे पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाएंगे। जो इस डोर का कलर है वो आपको ज़रूर अलग दिख रहा होगा क्योंकि जो ओनर है उन्होंने कार को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करा रखा है। बट द मोमेंट जैसे ही मैंने कार को शट करा, दरवाज़ा बंद करा, तो आपने एक चीज़ फील करी और मैंने जो चीज़ बहुत अच्छे से फील करी, डैट इज़ द बिल्ड क्वालिटी। कि इस कार के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है, जो 5 स्टार है, वो उसको ज़रूर जस्टिफाई करता है। वहीं जो हमारी क्रेटा है वो 3 स्टार है। और इस वक्त पे कुशाक वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट SUVs अवेलेबल इन इंडिया है, जिसमें आपको एडल्ट में भी और चिल्ड्रन के लिए दोनों के लिए 5 स्टार रेटिंग मिलती है। वहीं अगर हम कुशाक के इंटीरियर की बात करें तो क्योंकि ये बेस मॉडल है तो ये टच स्क्रीन जो है ये आफ्टर मार्केट है, पर ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। आपको AC वेंट्स कुछ ऐसे मिलेंगे, ये पूरे दरवाज़ों पे ऐसा डिज़ाइन मिलेगा। जो स्टेयरिंग व्हील है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी मिलेगा। पर वहीं जो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है आपको टोटली एनालॉग मिलेगा और सेंटर में आपको एक इसमें MID मिलेगी। जो एयर कंडीशनर है वो आपको मैनुअल मिलता है, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल का। और जो सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो चलिए एक बारी पीछे चलते हैं। तो गाइस जब हम आ गए हैं कुशाक की पीछे वाली सीट पे, जो आगे वाली सीट थी वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड थी। जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, कोई भी आपको कमी नहीं लगेगी किसी भी चीज़ की। शोल्डर रूम हो गया और जो दोनों पीछे के हेडरेस्ट है वो भी आपको हाइट एडजस्टेबल मिलेंगे, ऊपर आपको LED लाइट मिलेगी इंटीरियर के लिए। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कुशाक का बूट। तो हम अगर हम कुशाक के बूट को अनलॉक करें तो इसमें आप देख पाएंगे कि काफ़ी मैसिव बूट है, पर वो इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी पार्सल ट्रे मिसिंग है। बट आपको यहाँ पे एक इल्यूमिनेशन मिल जाएगी, यहाँ पे एक हुक मिल जाएगा जिस पर आपको 3 kgs का लोड आप हैंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक हुक मिलेगा। और जो इसकी कैपेसिटी है अगर हम उसकी बात करें तो डैट इज़ 350 लीटर्स। वहीं अगर हम क्रेटा की तरफ बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्रेटा को अनलॉक कर लेते हैं। क्रेटा की अगर हम डोर की बात करें तो वो आपको कुशाक से थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगेगा डिज़ाइन वाइज,
क्योंकि इसमें ब्लैक एंड बेज यूज़ हुआ है, कंपनी है ये, बिल्कुल स्टॉक है इसका, कोई भी इंटीरियर का काम नहीं हुआ है। और साथ ही साथ इसमें भी आपको पावर विंडो कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के लिए बटन, ओआरवीएम को एडजस्ट करने के लिए सारे बटन्स मिलेंगे। बट इसका जो आपको डोर हैंडल मिलेगा वो आपको ब्लैक में फिनिश में मिलेगा, आपको कोई भी क्रोम ट्रीटमेंट इसमें नहीं मिलता है। अगर हम इंटीरियर में आ गए हैं क्रेटा के, तो इसमें आपको ऐसा कुछ स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, जो मेरे को पर्सनली कुशाक का स्टेयरिंग व्हील ज़्यादा अच्छा लगा डिज़ाइन वाइज एज़ कम्पेयर टू क्रेटा, बट वो सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। सेंटर में आपको जो टच स्क्रीन दिख रही है वो निपॉन की आफ्टर मार्केट यूनिट है, जैसे कि कुशाक में भी थी, दोनों ही ओनर्स ने आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगवा रखी है, क्योंकि इन दोनों ही बेस मॉडल्स में आपको कोई भी स्क्रीन नहीं मिलती है। पर अगर मैं पूरे डैशबोर्ड की बात करूँ तो जो कुशाक का था वो थोड़ा सा स्पोर्टी डिज़ाइन में था, और वहीं जो क्रेटा का इंटीरियर है वो थोड़ा सा आपको सोफिस्टिकेटेड साइड पे, कंफर्टेबल साइड पे, प्लेजेंट साइड पे, कि वो सबको अपील करे, वहीं जो कुशाक का इंटीरियर था वो थोड़ा सा यंगस्टर्स को ज़्यादा अपील करेगा। अगर हम इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो ये भी आपको फुली एनालॉग मिलता है, इसमें भी आपको एक सेंटर में MID स्क्रीन मिलती है। पर मैं एक चीज़ फील कर पा रहा हूँ कि ये जैसी मैं इंस्टेंटली क्रेटा में बैठा हूँ तो क्रेटा में आपको स्पेस ज़्यादा मिलती है कुशाक के मुकाबले। चलिए हम एक बारी क्रेटा में पीछे चलते हैं। साथ ही साथ जब मैंने अभी क्रेटा का दरवाज़ा बंद करा तो यस ऑब्वियसली मैंने फील करा कि स्कॉडा और ह्युंडई में कितना फ़र्क है। उसके जो दरवाजे हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहे थे, और जो बिल्ड क्वालिटी उसमें भी अलग ही बात थी एज़ कम्पेयर टू द कोरियन ह्युंडई ब्रांड। अगर हम स्पेस की बात करें तो ऑब्वियसली क्रेटा क्योंकि डायमेंशन में ज़्यादा बड़ी है तो इसमें ज़्यादा जगह होगी, बट अगर हम सिर्फ डायमेंशन को ना देखें और बात करें कम्फर्ट की, तो यस क्रेटा इज़ फार 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 मच बेटर दैन कुशाक, क्योंकि इसमें आपको लेग रूम भी ज़्यादा है, नी रूम भी ज़्यादा है, जो सीट्स हैं उनका रिक्लाइनिंग एंगल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जस्ट द प्रॉब्लम इज़ कि बेस मॉडल में आपको इसमें दो फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं, वहीं आपको कुशाक में तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। तो अब हम एक बार इसका भी बूट चेक करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो क्रेटा का बूट है इवन विद द पार्सल ट्रे, ये कुशाक से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लग रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, राइट में आपको और लेफ्ट में आपको कुछ सामान रखने की जगह, इल्यूमिनेशन मिल जाती है, और बूट में आपको हुक भी मिलता है सामान टांगने के लिए। अगर हम इसकी डायमेंशंस की या कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 433 लीटर का बूट। तो अगर आप लोगों को एक स्पोर्टी कार चाहिए, और अगर आप सिंगल या दो जने ही ड्राइव करते हैं नॉर्मली गाड़ी को, या अगर आप कहीं पे ट्रैवल भी करते हैं तो बहुत सारे जने नहीं होते हैं, और अगर आप एक परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट हैं, आपको ड्राइविंग पसंद है, तो आपको श्योरली स्कॉडा की तरफ जाना चाहिए। पर वहीं अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए जिसमें आपको फीचर्स भी मिल जाए, स्पेस भी अच्छी खासी मिल जाए, और वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा हो, तो वहीं क्रेटा को कुशाक कभी भी बीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो क्रेटा का 1.5 लीटर इंजन है जो पेट्रोल में भी आएगा, क्योंकि अगर हम कुशाक से कंपेयर करें तो पेट्रोल ही आता है, तो वो आपको डिसेंट परफॉर्मेंस ज़रूर देगा। कुशाक की लेवल की तो नहीं दे पाएगा, बट स्टिल काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस देगा, और वो आपको लाख रुपए सस्ती भी मिलेगी। बाकी आप लोगों की मर्जी कि आपको कंफर्ट की तरफ जाना है या स्कॉडा की बिल्ड क्वालिटी और स्पोर्टीनेस की तरफ जाना है। तो यही थी आज की कुछ वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।